कोशिश होगी और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को। सर आप प्लीज मंच पर आए। साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर, सर प्लीज आप मंच पर आए। मेरे दो सहयोगी अजीत और पवन को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले प्रभु का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हम करते हैं। क्योंकि आज गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं इस धरती से, और जब गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पहलू हैं जिन पर डिस्कशन हम इस मंच से करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे स्वतंत्र देव सिंह का, उन्हें बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर, जल शक्ति मंत्री जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर भूजल स्तर को लेकर डिस्कशन हम करेंगे, न सिर्फ भूजल स्तर को लेकर, वो सरकार का हिस्सा है, उनसे अन्य पहलुओं को लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी अजीत मंच पर आप प्लीज आए और साथ ही जेपी मेरे सहयोगी भी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बात गोरखपुर की ही नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की है और आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं और इसलिए इस मंच पर मौजूद है स्वतंत्र देव सिंह। जेपी अजीत ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया। देखिये उत्तर प्रदेश की बात और गोरखपुर से, गोरखपुर किसी पहचान का मोहताज नहीं है और सबसे खास बात यह है कि ये सीएम योगी की कर्म भूमि है। और देखिए सीएम योगी यहाँ आज दौरे पर भी हैं और सौगात दे भी रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात होगी, गोरखपुर के मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि गोरखपुर को बेहतर तरीके से तो सीएम योगी बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्होंने कितना डेवलप किया है। लेकिन स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं, जल शक्ति मंत्री हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और देखिए खास बात यह है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जब तक कोई नया अध्यक्ष मिल नहीं जाता है। तो तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे उससे। सर चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे और पहला सवाल आपसे यही होगा, सर मंत्री बनकर अच्छा लगता है या अध्यक्ष बनकर ठीक था? भारतीय जनता पार्टी को लोगों को समझने में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए बनी थी और 1951 से इसका यात्रा आप देखेंगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। केवल एक गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के विकास के लिए, और जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, जो भारत माता के चरणों के लिए समर्पित अपना जीवन कर दिया, भारत माता जय के लिए, तिरंगा के लिए, वंदे मातरम के लिए, उनका सम्मान और जो उनका सपना था उस सपने को साकार कौन करेगा? तो 70 सालों बाद जो सपना सोच थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वह सभी सपनों को साकार करने का काम देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, जो अटल जी ने, आपको ध्यान होगा सदन के अंदर जब एक मत से अविश्वास प्रस्ताव आया था और सुषमा जी भाषण दे रही थी सदन के अंदर, आपको ध्यान होगा उस समय सुषमा जी सरकार गिर गया था अटल जी का, तो सुषमा जी ने कहा था कि आज जितने दल हैं सामने, जितने लोकसभा में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। क्या भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम का नारा लेना, राम मंदिर के निर्माण की बात करना, 370 धारा हटाना, क्या सांप्रदायिक है? यदि सांप्रदायिक है भारत माता की जय बोलना तो मैं सांप्रदायिक हूं। लेकिन आज मैं लोकसभा के अंदर में बोल रहा हूं, आज से राम राज्य की नींव रखी जा रही है और सुशासन की नींव रखी जा रही है। आपको ध्यान होगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण दुबई में हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है और एक झटके में अमित शाह जी गृह मंत्री बनते ही और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक झटके में 370-35 से समाप्त हुआ है। सर्जिकल एयर स्ट्राइक से करने से आतंकवाद को जमीन में गाड़ दिया गया, एक भी घटना नहीं हुई है।
और आप देखेंगे तो दुनिया के किसी धरती पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उतरते हैं लंदन के धरती पर, वो स्वतंत्रता सेनानियों को, वह जो बलिदान क्रांतिकारी थे, भारत माता की जय पर गोलियां सीने में पड़ती थी, लेकिन आप देखेंगे लंदन के धरती पर देश का प्रधानमंत्री जिस समय उतरता है तब बीजेपी का झंडा नहीं, तिरंगा का झंडा लेकर लोग दौड़ते हैं और भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। ये परिवर्तन आया और इसके लिए राजनीति हम लोग करते हैं और पार्टी बनी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी क्या दी जाती है, जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और सत्ता में तो गरीबों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और दायित्व पर हैं तो मंत्रिमंडल का देखरेख करना चाहिए और कार्यकर्ता का निर्माण की प्रक्रिया जारी रहना चाहिए। ये कार्यकर्ता को जोड़ना, सभी बस्तियों में कार्य संगठन खड़ा करना, सभी बस्तियों में नए नए कार्यकर्ता को जोड़ना और ऐसा कार्यकर्ता उसको बनाना कि कल देश के या राज्य के अंदर या प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में किसी पद पर बैठे तो संगठन की गतिविधियों को और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सोच देकर रखा है उस सोच को नीचे तक उतारना है, जमीन पर उतारना है। इसलिए कोई दायित्व मिले इसमें दायित्व महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन का कार्य महत्वपूर्ण है और गरीब की सेवा महत्वपूर्ण है। चलिए सर, आपने एक जिक्र कर दिया तिरंगा यात्रा का, फिर हमारे सहयोगी अजीत भी आपसे सियासत से जुड़े सवाल पूछेंगे। तिरंगा यात्रा का आपने जिक्र किया लेकिन उसी तिरंगा यात्रा पर विपक्ष सवाल उठा रही थी। देखो, देश का बहुत नुकसान किया है विपक्ष ने आजादी से लेकर अभी तक। जो वंशवाद की पार्टियां रही, चाहे वंशवाद पारिवारिक आपका वंशवाद हो, चार भाई हैं तो चार भाई में योग्य भाई कौन है, वह राजा बनेगा कि शासन चलाएगा, घर का मालिक रहेगा, सत्ता में क्या स्थिति है वंशवाद। तो ये जो वंशवाद की राजनीति रही और जातवाद की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी हमने देखा देश का मान सम्मान बढ़ा और देश पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना देखा, किसान क्रेडिट कार्ड देखा, पोखरण विस्फोट देखा। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी वही स्थिति हुई, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा आपको हमारे कोरोना के समय भी ये टीका बीजेपी का है, ये झंडा बीजेपी का है, ये वातावरण जब इस स्थिति में जब लोग आवे तो पूरी पार्टी को और दल को एक साथ खड़ा रहना चाहिए और लोग खड़े रहे। इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा संपूर्ण दल भी और संपूर्ण समाज और सभी धर्मों के लोग जो तिरंगा हाथ में भी नहीं पकड़ते थे, लोग नहीं प्रेरणा देते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी 8 सालों के अंदर जो प्रेरणा राज्य के अंदर देश के अंदर दिया है और विश्व में दिया है तो पूरा विश्व भी और देश भी तिरंगा झंडा लेकर दौड़ा है और तिरंगा झंडे से शांति मिलती है लोगों को, आतंकवाद समाप्त होता है। तिरंगा को लेकर ही हमारा सवाल है सर, तिरंगा यात्रा को लेकर देखिए जौनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अखिलेश यादव पहले विरोध कर रहे थे और बाद में खुद तिरंगा यात्रा निकाला, ये जो नारे लगे वो बार बार विपक्ष यही आरोप लगाता है कि बीजेपी धर्म की बात करती है, विकास की बात करती है और फिर उसी पिच पर आ जाती है। देखिए, बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है। आज पूरी दुनिया के अंदर शांति के मार्ग पर लोग चल रहे हैं, योग कोई करता था, आज पूरी दुनिया योग कर रही है। मैं वृक्षारोपण की बात करता हूं, मैं जल संचयन की बात करता हूं, लोग स्वस्थ रहें मैं इसकी बात करता हूं, मैं विश्व का कल्याण हो इसकी बात मैं करता हूं, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद समाप्त हो और विकास के रास्ते पर लोग बढ़े, ईमानदारी वंशवाद को समाप्त करो, जहां वंशवाद जातिवाद क्षेत्रवाद रहेगा वहां भ्रष्टाचार अवश्य रहेगा, इसलिए भ्रष्टाचार जातिवाद क्षेत्र समाप्त होना चाहिए तो स्वाभाविक रूप से विकास। आप देखिए बीजेपी का एक गौरवशाली इतिहास है हमारा, हमारे पास नेतृत्व रहा है, हमारे पास ऐसा नेतृत्व रहा है आज भी हमारा, आपने देखे हैं अब जो मैं गिना दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, राजमाता विजयराज सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, भंडारी जी, आडवाणी जी, ऐसे सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता नीचे तक रहे बीजेपी के और जनसंघ के, जो पूरा जीवन समर्पित कर दिया और एक पद भी नहीं मिला। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे रहे जिनको कोई पद नहीं मिला, केवल बीजेपी के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया और बीजेपी की सरकार बने और गरीबों की सेवा करे इसके लिए। जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उनके साथ क्या करने वाले हैं? परिवर्तन आएगा सभी के अंदर, एक दिन सभी के अंदर परिवर्तन आएगा धीरे धीरे, और परिवर्तन आएगा नहीं तो जो कानून अपना काम करेगा, जो गलत रहेंगे उनके साथ कानून काम करेगा। जीरो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की आप लोग बात करते हैं, आप आज अफजाल अंसारी के घर पर ईडी का छापा है, विपक्ष बार बार ओम प्रकाश राजभर हो समाजवादी पार्टी यही कहती है, जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं आप। देखिए,
एक कानून जो अपना काम करता है उसको बीजेपी के संगठन में छेड़छाड़ नहीं करती है और सरकार भी नहीं करती, जो दोषी है उसको सजा मिलेगा, चाहे धन के आधार पर मिले, चाहे भ्रष्टाचार के आधार पर मिले, चाहे गुंडे के आधार मिले। आज राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के आने के बाद एक शांति व्यवस्था है, कानून का राज है। आज 12 बजे रात को भी कोई बेटी अपने घर से जाकर रेस्टोरेंट चाय पीकर अपने घर जा सकती है, रास्ते में कोई छेड़ नहीं सकता है। ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज, आपने सपा बसपा देखा है। सर अगर हम बात करें, क्योंकि 2022 के चुनाव की बात करें तो मोदी और योगी चेहरा था, विकास की योजनाएं उपलब्धियां आपकी थी और संगठन की जो नीति थी रणनीति थी वो आपके हाथों में थी और देखिए आपने इतिहास रच दिया। लेकिन अब 2024 की तैयारी है, क्या प्लानिंग की है 2024 को लेकर, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव आप जीतने के बाद सीएम योगी कह रहे हैं कि 80 का टारगेट पूरा करना है हमको, 80 सीटों की बात कर रहे हैं, तो क्या प्लानिंग लेकर चलेंगे सर? देखिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो लोकसभा चुनाव या राज्य के चुनाव, जनता चुनाव लड़ती है और जनता के अंदर विश्वास हो चुका है, यानी 100% विश्वास जनता का है कि एक ही लीडर ऐसा है देश के अंदर में जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर और धर्म से ऊपर उठकर गरीबों की सेवा करने वाला कोई व्यक्ति है और गरीबों के कल्याण करने वाला व्यक्ति कोई है। चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान का कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे बंटाइया और मुसहर को भी जो 70 सालों से नहीं मिला था बोर्ड का अधिकार आवास, प्रधानमंत्री आवास, उनको भी डबल इंजन के सरकार में एक सम्मान मिला है। इसलिए जनता जनार्दन, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, वनवासी, सभी के मन में रहता है कि ये मोदी योगी सरकार। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, बार बार जब आप लोग अयोध्या की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, मथुरा की, वो कहते हैं कि धर्म के नाम पर मथुरा का नाम लेकर डराती है बीजेपी। कहा मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस बना रहा हूं, वर्ल्ड ट्रिलियन डॉलर की हम बात करते हैं, मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना रहा हूं, कई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मैं विश्वनाथ कॉरिडोर, आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा है, पहले 10,000 लोग आते थे, अब 1,00,000 लोग आते हैं। आपने सभी त्यौहार देखा, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे नवरात्र हो, कोई भी एक दंगा सुनाई नहीं देता, कान तक चीख नहीं दिखाई देती है, शांति के माहौल में दोनों त्यौहार मनते हैं। पहले सपा बसपा शासन में 24 घंटा ईद पर मिलता था, बकरीद पर मिलता था, नवरात्र पर लाइट नहीं आती थी, आज योगी शासन में 24 घंटा चाहे ईद हो, चाहे नवरात्र हो, चाहे देव दीपावली, दोनों पर 24 घंटे लाइट आती है। आज देव दीपावली त्यौहार पर दीपोत्सव मनाया जाता है, देव दीपावली मनाई जाती है, कांवड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है, दिव्य और भव्य कुंभ में सरकारी हेलीकॉप्टर से वर्षा होती है, और स्वच्छता कर्मचारियों का पैर धोने वाले इस धरती पर देश का पहला प्रधान सेवक हुआ जो स्वच्छता कर्मी का पैर भी धोता है, सम्मान देता है और एक गरीब को पक्का मकान देता है। बीजेपी क्या, बीजेपी अपना पैटर्न बदल रही है? विकास ही मेरा जीवन है और एक एक गरीब को पक्का मकान देना, जिसको पक्का मकान नहीं मिला है, चाहे प्रधानमंत्री आवास, चाहे मुख्यमंत्री आवास, एक एक गरीब को पक्का मकान देना है और गरीब की बेटी के शादी की भी जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी और चिकित्सा की जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर रहेगा और उसकी चिंता करना। बीजेपी क्या पैटर्न बदल रही है, जो 22 में था, जो 17 में था, अब 24 में, चूंकि 80 का टारगेट पूरा करना है, आपने भी जेल मैनुअल में बहुत बड़ा सुधार किया है, उसमें भी सभी धर्मों को रखा, अगर किसी महिला को जेल के अंदर बच्चे का जन्म होता है तो उसके धर्म के मुताबिक उसका संस्कार होगा, नामकरण संस्कार होगा, ईद होगी तो सेवई मिलेंगी, दिवाली होगी तो खीर मिलेगी, क्या पैटर्न बदल ली बीजेपी 24 को देखते हुए? देखिए जेल हो चाहे बाहर हो, जेल में भी बहुत से कैदी ऐसे आते हैं जब बच्चे हैं उनके हैं, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इस बार ये सभी लगभग हमारे समझ से 25-30 योजनाएं, हर प्रकार का उनको डॉक्टर से लेकर सभी की सुविधा वहां मिले, उपलब्ध रहे सभी को, हर त्यौहार सभी के त्योहारों पर खुशियां मनाई जाए, सभी के त्योहारों पर पकवान बने, अच्छे पकवान बने और उनको भी सुविधा मिले वहां पर, और उनके अंदर परिवर्तन आवे कि बहुत से लोग रहते हैं जो केस हो जाने के बाद भी, मान लो भाई भाई लड़ गए, लड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन खास भाई भाई लड़ गए, उनको कुछ दिन में परिवर्तन आता है, गलती की यार ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी सजा भोग रहे हैं लोग, तो कम से कम त्योहार तो ठीक ढंग से मनाएं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, फिर आपके ही नेता ये क्यों कहते हैं अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो आप साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को भी तो धार दे ही रहे ना? नहीं देखिए, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, दुनिया का राष्ट्रपति आते हैं
तो हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के राष्ट्रपति आते हैं तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गंगा आरती करते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात गोरखपुर से लगातार जारी, यहां पर वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बातचीत करके एक एक समस्या का समाधान होता है। अब राम मंदिर का नींव रखा गया, एक भी चीटी मरी, एक दंगा हुआ, कोई आवाज उठाया, इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। और मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे, हिंदू मुसलमान का दोनों का सपना है कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को दिशा दे। अब मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर गरीबी से लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, गरीबी से लड़ेंगे, गरीबों के कल्याण के लिए लड़ेंगे और केंद्र राज्य सरकार का सहयोग करेंगे मोदी योगी के नेतृत्व। आप जल शक्ति मंत्री हैं, बुंदेलखंड पर आप लोगों का फोकस है, आपने वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर, अब इंडस्ट्री भी लगाने जा रहे हैं, हर घर को पानी, बुंदेलखंड जो पिछड़ा कहा जाता था उसको कैसे सुधारेंगे? उत्तर प्रदेश में भी एक नई, जो कि 10 लाख करोड़ के निवेश की बात आप कर रहे हैं जनवरी में, इसके अलावा 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी उसमें 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश का टारगेट है, तो कैसे पूरा करेंगे, क्या लक्ष्य है? आदरणीय मोदी जी के, मोदी जी डबल नेतृत्व राज्य में, योगी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आकांक्षी जिले भी जो रहे, जो कमजोर जिले रहे, वह सब आज नंबर एक में आ रहे हैं। इसी तरह 100-100 मंडल ब्लॉक भी लिए जा रहे हैं, जो जो ब्लॉक उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं, फोकस करके सभी विभागों की योजना ठीक ढंग से वहां लागू हो। क्या है कि उत्तर प्रदेश को ईमानदारी के रास्ते, जब ईमानदार मुख्यमंत्री कोई मिलता है और ईमानदारी से काम करता है, न जात, न क्षेत्र, न व्यक्ति, न परिवार उसके जेहन में नहीं रहता है, तो एक एक व्यक्ति का विकास होता है और इसी कारण एक एक गरीब और एक एक लोगों का विकास होता है। और बुंदेलखंड भी आज विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, जो एक्सप्रेस बुंदेलखंड एक्सप्रेस मिला है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, वास्तव में आने वाला समय में जो वहाँ ज़मीनें, हम लोगों की ज़मीनें 1 लाख बीघा 50,000 बीघा थी, आज वहाँ के किसान सब खुशहाल होंगे धीरे धीरे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि घर घर पानी, जो 2022 तक सभी के घरों पर जो पानी का संकट होता था, पानी के लिए संघर्ष होता था, ट्रेनें वापस लोग कर देते थे, आज सभी घरों के अंदर पानी घर में पहुंचेगा, नल पहुंचेगा, नल में शुद्ध पानी पहुंचेगा। और बेतवा लिंक परियोजना जो हमारी जुड़ रही है, उससे खेत में भी पानी 24 घंटा, यानी नहरों चलने वाली ऐसी नहरें भी, जैसे पूर्वांचल में चलती उसी तरह बुंदेलखंड में 24 घंटा और 365 दिन चलने वाली नहरें भी हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगी। कल जन्माष्टमी है, आज ही आपकी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि कल पूरे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं को सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी फोकस गौ सेवा, गौ माता पर रहता है। आज ही आपकी सरकार ने फैसला लिया पूरे यूपी के गौशालाओं को सजाया जाएगा और सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी गौ माता की पूजा करेंगे। पहले से है गौ माता का दान देना, दादा मामा, ये परंपरा रही है। और जहां घर में बेटियों का सम्मान हो, जिस घर में जब माँ का सम्मान हो, बूढ़े माँ बाप का सम्मान जिस परिवार में होता है, और गौ माता का सम्मान हो, वहाँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। जहाँ पर ये सब का अपमान होगा वहाँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। यदि घर में माँ बाप हैं, यदि शाम को यदि बेटा मालिश करके सोता है 5 मिनट माता पिता का, तो वहाँ लक्ष्मी को वास करता है। और नन्ही बेटी और पत्नी और माँ का भी सम्मान बेटियों का होता है उस घर में, तो एक तरह का लक्ष्मी का वास होता है। तो निवेश आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है उत्तर प्रदेश में, तभी तो खुशहाली है, तभी तो घर घर खुश रहे, पक्का मकान बन रहा है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, वो भी 1 रुपया रिश्वत नहीं, यानी सीधे उसके खाते में 6,000 रुपया सीधे पहुंच रहा है। मकान बनने 5 लाख आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, चाहे सरकार के कोई 100 के ऊपर योजनाएं हैं, 100-150 के ऊपर, सभी योजनाएं ठीक ढंग से वहां तक पहुंच रही हैं। सर, हमारे सहयोगी अजीत ने जिक्र किया बुंदेलखंड का, क्योंकि बुंदेलखंड से आप आते हैं सर, और बुंदेलखंड से गाय बगाए इस तरह की तस्वीरें आती होंगी और आपको याद भी होगा, कभी कोई घास की रोटी खा रहा है, कई कई किलोमीटर दूर पानी के लिए चलना पड़ता है, लेकिन क्या, क्योंकि लाखों लोग आपको सीधे लाइव सुन रहे हैं, क्या हमारे मन से आप आश्वस्त करते हो बुंदेलखंड की जनता को कि वो तस्वीर अब कभी सामने नहीं आएगी? है नहीं है, 5 साल में आपको एक भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं किया भाई, सपा बसपा शासन में आपने देखा है, एक व्यक्ति भूख से भी
ना भूख से सो सकता है, एक व्यक्ति भी भूखा नहीं सो सकता है। 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार अन्न देने वाला केंद्र और राज्य सरकार आदरणीय डबल इंजन की सरकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा लिए चलते उत्तर प्रदेश की बात, गोरखपुर से स्वतंत्र देव सिंह क्या कुछ कह रहे, सुनिए। कालपी में उस समय 70 गैंग थे, बीपी सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्य, दोनों का हेलीकॉप्टर कालपी में उतरता था। ऑपरेशन DIG OP सिंघल साहब हुआ करते थे और लगभग 70 गैंग थे, पूरा बिहार इलाका था, डकैतों का था बिहार इलाका था। मैं 86 में 86 में संघ के संपर्क में आया, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष करने के बाद संघ के विस्तारक प्रचारक, फिर विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री के रूप में, फिर उस दिन से आज तक चली रहा है। फिर BJP में आने के बाद कांग्रेस से स्वतंत्र देव हो गया, फिर अब स्वतंत्र देव परमानेंट, फिर कोर्ट में नाम चेंज भी करवा लिया एप्लीकेशन लगाकर, आज स्वतंत्र देव के नाम से चलता है। और संगठन में एक ही चीज है कि कार्यकर्ता से मित्रता बनाइए, फिर उसको BJP से जोड़िए, फिर वो राष्ट्र के लिए समर्पित होकर और संगठन के लिए समर्पित होकर काम करें और संपर्क संवाद हमेशा होना चाहिए। इसीलिए चित्रकूट में प्रशिक्षण शुरू किया, क्या निकाला मंथन से चित्रकूट? तो देखिए स्थान तय होते, जैसे अनुसूचित जनजाति का आज यहाँ गोरखपुर में है, तो ये प्रशिक्षण हमारे संगठन के लगभग जहाँ से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है ऐसे बैठक एक है, दूसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में व्यक्ति का नारा नहीं लग सकता, भारत माता के जय का नारा लगेगा। प्रशिक्षण वर्ग में ताली नहीं बज सकती आपके भाषण पर, मंच पर 2 कुर्सी रहेगी, एक वक्ता बोलेगा विषय पर बोलेगा और ताली नहीं बजेगी। 45 मिनट में भाषण पूरा होगा लेकिन ताली नहीं बजेगी, अनुशासन से निकल कर ताली बहुत बजवाते हैं हम लोग। फिर रैली होती है, रैली में नेतृत्व का डेवलपमेंट होता है, अब मंडल अध्यक्ष का नारा लगता है, मंडल अध्यक्ष के पीछे 200 आदमी चल रहे हैं और वो लेकर आगे बढ़ रहा है, तो लगता है कि मेरा नेता है, नेतृत्व हो रहा है। तो बैठक, कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रशिक्षण और रैली के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण होता है, क्योंकि वंशवाद की पार्टी तो है नहीं, उसी में से अच्छा कार्यकर्ता एक जिलाध्यक्ष हो जाता है, कभी वही बूथ का एक कार्यकर्ता अध्यक्ष हो जाता है प्रदेश का, कभी बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। वंशवाद बार बार आप कह रहे हैं, वंशवाद जैसे ही आप कहते हैं अखिलेश यादव को बुरा लगने लगता है, वो अटैक करने लगते हैं आप लोगों पर। नहीं, क्या है, वो लोग तो अपना एक बिजनेस है, राजनीति उनका व्यापार है, बाकी लोगों का, BJP का राजनीति मिशन है, एक राष्ट्र के लिए काम करते हैं हम लोग, मिशन के लिए करते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए करते हैं। सर, जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी या विरोधी दल यही सवाल उठाते हैं कि देखिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, अगर किसी पर कार्रवाई होती है तो कहा जाता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम से किसी से आप बात कर लीजिए, एक व्यक्ति का शोषण नहीं होता है। बुलडोजर केवल गुंडों और माफियाओं पर चलता है, जो गरीबों की प्रॉपर्टी कब्जा करते हैं या किसी का दुकान कब्जा करते हैं या सरकारी प्रॉपर्टी कब्जा करते हैं, किसी गरीब किसी मुस्लिम गरीब को, भाई ये सबका साथ सबका विकास काम है और उसका सम्मान, उसको प्रधानमंत्री आवास, उसको सब सुविधाएं उपलब्ध हो, मोदी योगी के शासन में पूरा कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, कानून सबके लिए एक है और सभी के लिए काम कर रही सरकार। किसी बाबा का बुलडोजर कल अमेरिका के न्यू जर्सी में दिखा, बाकायदा रोड पर लोग चल रहे थे और नारे लगा रहे थे, तो एक पहचान आप लोगों ने बुलडोजर की बदल दी। देखिए, गरीबों का कल्याण करना हम सबका दायित्व है, योगी जी का लक्ष्य है कि एक एक गरीब खुशहाल हो, चाहे बंटांगिया हो चाहे मुसहर हो, एक एक गरीब खुशहाल हो और गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो और गरीब नेतृत्व करे। इसलिए दलित शोषित वंचित आदिवासी बनवासी गिरवासी गांव गरीब किसान के लिए आदरणीय राज्य के अंदर हमारी डबल इंजन के केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर योगी जी, परिश्रम की पराकाष्ठा, दिन के 24 घंटा सप्ताह में 7 दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, कोरोना जैसे बीमारी में भी रात दिन, वैश्विक महामारी में
लोगों को बचाने का काम किया, समीप अन्न भी दिया, फ्री में टीका भी। 2024 जीतने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या लेकर आप जनता के बीच जाने? विकास, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। देखिए, संगठन जनता जनार्दन का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति है, नेतृत्व को स्वीकार करता है, एक ईमानदार नेतृत्व है, एक गरीब परिवार से जन्म लेने वाला नेतृत्व है और चाय बेचने वाला नेतृत्व है। और आज नेतृत्व को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। आपने देखा है कि महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी कपड़ा छोड़ दो, लोगों ने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया। शास्त्री ने कहा था कि अन्न छोड़ दो एक दिन के, लोगों ने अन्न छोड़ दिया। मोदी जी ने कहा सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया और सभी गरीबों को गैस उपलब्ध हुआ। इसलिए मेरे पास ये नेतृत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके मंच से आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ। जो हजारों बच्चों का देहांत होता था दिमागी बुखार से, 17 के बाद ऐसा उन्होंने काम किया कि आज 95% लोगों को वह स्वस्थ रखते हैं और आगे आने वाले समय में एक भी मृत्यु नहीं होगा बच्चों की बुखार से। सर, आपने जिक्र किया, मोदी जी ने कहा कि सब्सिडी छोड़ दो, लेकिन बिहार में कैसे हो गया? गच्चा दे गए नीतीश कुमार आपको, नीतीश कुमार ही छोड़कर चले गए। आप तो संगठन के आदमी और आपके बारे में तो कहा जाता है कि देखिए आप तो नाम से अपने कार्यकर्ता को पुकार लेते हैं। संगठन ताकतवर होता है, गच्चा दे गए वहां। संगठन ताकतवर है और संगठन के आधार पर और कार्यकर्ताओं के दम पर ही और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा, जनता जनार्दन का प्यार और स्नेह, उनके लिए काम करना। और हमारे पास ईमानदार नेतृत्व है, तपस्वी नेतृत्व है, त्यागी नेतृत्व है, उसके बदौलत 2022-24 एक तरफा हम जीतेंगे। बिहार में कैसे खेला हो गया सर? बिहार में कैसे खेला हो गया? आप पूछिए उन्हीं से, नीतीश जी से आप पूछिए कैसे खेला। नहीं, बीजेपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है। तो एक तरफा सीट हम लोग बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे। बिहार चुनौती होगी बड़ी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं, नीतीश जी तो उधर चले गए। कोई चुनौती नहीं। जहां पर देखिए, ऐसे दल से आप समझौता जहां करेंगे, जहां भ्रष्टाचार के नींव पर एक न्याय मंत्री, कानून मंत्री स्वयं जेल में हाजिर हुआ, कोर्ट में हाजिर होना था, इधर शपथ ले रहा है, अब क्या देना चाहते हैं? क्या दर्पण देना चाहते हैं समाज को, देश को? क्या दर्पण अब क्या देना चाहते हैं? समाज विश्वास करता है पॉलिटिकल पार्टी पर, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को एक ईमानदारी से सेवा करने का काम करता है। इसलिए राजनीतिक दल के रूप में आप पार्टी का काम करते हैं तो लूटने और भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए, गरीबों की सेवा करने के लिए आए। चलिए सर, अब आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए बहुत राजनीतिक पहलुओं पर हमने बात कर ली और मैं चाहता हूं, क्योंकि आप एक बड़े लीडर हैं, अध्यक्ष आप रह चुके हैं इतने बड़े स्टेट के, आप मंत्री रह चुके हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अब मंत्री हैं, आपकी कोई जर्नी ऐसी जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हो, जो आप, जो दूसरे लोगों के एक अच्छा मैसेज हो, जो दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो? जहां रहें श्रद्धा से रहें और जिसके साथ रहें वहाँ खड़े रहें, लेकिन एक मेरा निवेदन है कि देश आगे बढ़ चुका है, दो 2047 का नेतृत्व शुरू हो गया है, 1947 से 2047, आने वाला समय 2047 में जो हम लोग देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार काम शुरू हुआ है, आने वाला समय में हिंदुस्तान पूरे दुनिया को नेतृत्व देगा। उसके लिए आवश्यक है कि आने वाला नेतृत्व कैसा हो, वही नेतृत्व कर पाएगा जिसके घर में योग्य पढ़ा लिखा बालक होगा, ईमानदार बालक होगा और ईमानदार राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा। यानी ईमानदार व्यक्ति जिसके घर में पैदा होगा, ईमानदारी से पढ़ाई करेगा और ज्ञान अर्जित करेगा। लड़ाई ज्ञान का होगा आपका, आगे लड़ाई वाली ज्ञान का है, आने वाली लड़ाई ईमानदारी का है, आने वाली लड़ाई राष्ट्रभक्ति का है। इसलिए तीनों हर परिवार में कैसे गूंजे और पूरी देश के अंदर गूंजे, हम क्योंकि हम अब दुनिया को नेतृत्व करने वाले जा रहे हैं, परिवार को नेतृत्व नहीं करने जा रहे हैं, अब दुनिया को नेतृत्व करने जा रहे हैं, इसलिए हमें देश को लिए दुनिया को देना है और दुनिया को अच्छे मार्ग पर लेकर चलना है। ना आतंकवाद हो, ना भ्रष्टाचार हो, सभी मिलकर शांति से मार्ग पर चलें। और आज आपके माध्यम से ये जो लड़ाई है, तो सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जल संचय करें, वृक्षारोपण करें और घर में योग करें।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जल शक्ति मंत्री योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने अपनी बातें रखनी, अपने मंत्रालय से जुड़ी बातें भी रखी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। उत्तर प्रदेश की बात गोरखपुर से आप देख रहे हैं। और देखिए, अब जल शक्ति मंत्री से चर्चा करने के बाद हम और भी पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ शिक्षाविद भी होंगे, स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े लोग होंगे और साथ ही साथ व्यापारी वर्ग से भी जुड़े होंगे। तो ये खास चर्चा हमारी चलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जेपी आपका। सर, आप प्लीज मंच पर रहे। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पैनल को खास बनाने के लिए। और अब मैं मंच पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि अब वक्त हो चला है कुछ खास लोगों को सम्मानित करने का, जो गोरखपुर को आगे बढ़ा रहे हैं, इस शहर को विकसित करने में उन सभी का योगदान है। सबसे पहले आप जो खास लोगों को सम्मानित करने हम जा रहे हैं, एक एक करके सभी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले राजू जायसवाल जी, चेयरमैन है जीडी गोयनका स्कूल से, आप प्लीज मंच पर आए। जी मीडिया आपको सम्मानित करता है, जो कार्य शिक्षा के क्षेत्र में आप इस वक्त गोरखपुर शहर में कर रहे हैं, इसके लिए जी मीडिया आपको सम्मानित करता है। लेकिन अब शायद अभी इस वक्त हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं ओपी गुप्ता, चेयरमैन है गीति इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के, आप प्लीज मंच पर आए। ओपी गुप्ता जी, आप चेयरमैन है गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से, बहुत स्वागत है आपका। और जी मीडिया आपको भी सम्मानित करता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे रहे हैं ये तमाम चेहरे, इनके कार्य को लेकर जी मीडिया इन्हें सम्मानित कर रहा है। अगले खास मेहमान निवेदिता पटेल है, समाज सेविका है, आप प्लीज आप मंच पर आए। जी मीडिया आपके कार्य को देखते हुए आपको सम्मानित कर रहा है। अगले खास मेहमान जो हमारे बीच होंगे, उनका भी अहम योगदान है गोरखपुर को आगे बढ़ाने में, और इन सभी के कार्य को देखते हुए जी मीडिया इन्हें सम्मानित कर रहा है। नितिन मातनहेलिया जीपी मोटर्स हीरो बाइक एजेंसी से इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, आप प्लीज मंच पर आए। जी मीडिया आपके कार्य को देखते हुए आपको सम्मानित करता है। ये डीपी मोटर्स से नितिन मातनहेलिया इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, बहुत स्वागत, और इनके कार्य को देखते हुए जी मीडिया इन्हें सम्मानित कर रहा है। जो अगले गेस्ट हैं हमारे, डॉक्टर विजय राजन है, पैराडाइज होटल और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप प्लीज मंच पर आए। जी मीडिया आपको भी सम्मानित करता है। सभी की तरफ से जो गोरखपुर शहर को विकसित करने में कदम उठाए जा रहे हैं, इनके कार्य को देखते हुए जी मीडिया इन्हें सम्मानित कर रहा है। योगेश मणि तिवारी, आप प्लीज मंच पर आए, बिजनेसमैन है आप और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, आपके कार्य को देखते हुए जी मीडिया आपको भी सम्मानित करता है। अतुल सराफ एस्ट्रा ग्रुप रियल स्टेट से, ये इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह का कार्य इनकी तरफ से किया जा रहा है रियल स्टेट में और गोरखपुर शहर में, इनके कार्य को देखते हुए भी जी मीडिया में सम्मानित करता है। शोभित दास एमडी है गैलेंट लाइफ स्पेस से, रियल स्टेट से, आप प्लीज मंच पर आए। शोभित, जी मीडिया आपको भी सम्मानित करता है आपके कार्य को देखते हुए। शोभित, अगर आप हमारे बीच मौजूद हैं तो प्लीज आप मंच पर आए। नेक्स्ट अभिषेक पांडे, बीएन बालाजी ग्रुप से आप हैं, आप प्लीज मंच पर आए। रियल स्टेट से हैं आप भी, बहुत स्वागत है आपका, और जी मीडिया आपके कार्य को देखते हुए आपको सम्मानित कर रहा है, आप प्लीज मंच पर आए। क्योंकि आज जब गोरखपुर से हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम वो फेसेस हैं जो गोरखपुर के विकास में अहम योगदान निभा रहे हैं। अभिषेक पांडे, वीएन बालाजी ग्रुप रियल स्टेट से, प्लीज मंच पर आए। अगर आप हमारे बीच, डॉक्टर अखिलेश पटेल अभिज्ञा हॉस्पिटल हार्ट केयर से, आप प्लीज मंच पर आए। जी मीडिया आपको भी सम्मानित करता है। तो गोरखपुर के स्वास्थ्य को लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे इन खास मेहमानों से, लेकिन जो कार्य ये सभी लोग कर रहे हैं, इसके लिए जी मीडिया ने सम्मानित करा है। डॉक्टर गोपाल अग्रवाल संवेदना मनोचिकित्सा केंद्र से आप प्लीज मंच पर आए, आपको भी जी मीडिया सम्मानित करता है। नेक्स्ट डॉक्टर डीके गुप्ता फिटनेस जिम से हैं आप प्लीज मंच पर आए, जी मीडिया आपको भी सम्मानित करने जा रहा है। तो ये तमाम वो खास मेहमान हैं जो गोरखपुर के विकास में अहम योगदान निभाते हैं, और हर कोई अलग अलग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इनके कार्य को देखते हुए जी मीडिया इन्हें सम्मानित कर रहा है। गोरखपुर शहर की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है, और इस संस्कृति को बेहद खूबसूरत ये सभी चेहरे बनाते हैं, आप सभी लोग बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे बीच उपस्थित रहने के लिए। और अब वक्त हो चला है, रमेश चंद्रा सर सम्मानित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह को, जो हमारे खास मेहमान, जिन्होंने अपना कीमती वक्त जी यूपी उत्तराखंड को दिया
प्रदेश के विकास की चर्चा हमने उनसे की है और इसके अलावा कई ऐसे पहलू, कई ऐसे सवाल देश की राजनीति से जुड़े हुए भी हमने उनसे जाने हैं, जिन पर आपके मन में भी बहुत सारा संशय बरकरार था। तो जी मीडिया स्वतंत्र देव सिंह को भी सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो ये इस वक्त गोरखपुर शहर की संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुकेश शुक्ला जी अगर आप हमारे बीच मौजूद हैं तो आप प्लीज आए, एक खास मेहमान मुकेश।